ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। You've probably learned. How are you? And अरे जनी आवाज कम कर बाबा, आवाज नहीं आ रही, मैं खबरें सुन रहा हूँ। अरे चुप करो, दा इंग्लिश में, एक मिनट। अरे बाबा इंग्लिश में समझ आ रही है? अरे बाबा चुप करो, मैं गाना नहीं सुन रही हूँ, इंग्लिश सीख रही हूँ, इंग्लिश। अरे बाबा इंग्लिश सीखनी है तो किसी मास्टर से सीखो ना। मास्टर कौन सा मास्टर? बाबा वो टेलर मास्टर से। उसको बोला की इंग्लिश आती है? अरे बाबा आती होगी तभी तो मास्टर है। बच्चू भाई तो फिर क्या सोचा आपने? हाँ बाबा सोच लिया है, कुछ नहीं होगा। बस तो बच्चू भाई मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मेरा हिसाब किताब कर दें आप। अरे बाबा हिसाब किताब तो अल्लाह पाक करेंगे ना, मैं तो गुनाहगार आदमी। देख रही है जरीना? अरे बोला बात क्या है बोलो। अरे मुझे एडवांस सैलरी चाहिए थी, जरूरत है। अरे अदा दे दो ना बेचारे को, गरीब आदमी है, देखो ना इसकी पेंटें भी छोटी हो गई हैं। जरीना स्टाइल है ये। लेकिन आधा स्टाइल है पापा, इसको पूरा कर लो, बहुत बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है, आप तो अपना मुंह बंद करें। हाँ बच्चू भाई। हाँ बाबा कुछ नहीं हो सकता, बता तो दिया है। अच्छा बाबा चलो बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं दे देती हूँ। यही कोई 40,000 रुपए। 40,000? तो 40,000 साल बाद ले लेना। इतनी जल्दी? एक काम करो 80-90,000 साल बाद आराम से दे देना, मैं जब तक सीमा मैडम से बात कर लेता हूँ। हाँ बाबा पता करो शौक से पता करो बाबा, साइन तो मैं नहीं करने हैं, वो मैं नहीं करूंगा। यस सीमा मैडम एक बात तो बताएं, ये बच्चू से आपने पसंद की शादी की थी या कोई खानदानी मजबूरी थी? क्या मतलब? मुझे लगता है किसी का दिल दुखाया आपने। क्यों? क्योंकि ये उसी की सजा लगती है मुझे। क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि ऐसी सजा जब ही मिलती है। अरे भाई बात क्या है वो तो बताओ। अरे बाबा बात मैं बताता हूँ, एडवांस में सैलरी मांग रहा है ये। तो दे देना बच्चू। अरे बाबा हमने किसी को कभी एडवांस दिया ही नहीं है, डायरेक्ट किस्त ही दी है। मैं किस्तों पे काम नहीं करता, कैश चाहिए कैश। हाँ अरे बाबा कैश नहीं करता है, तुम यहाँ ऐश करता है। कौन से ऐश कर लिया मैंने? लो बाबा खाना फ्री, चाय फ्री, पानी फ्री, पाई फ्री, बाबा लोड फ्री, मोबाइल फ्री, अभी क्या जान लेगा बच्चे की। वैसे जानी बात तो बिल्कुल ठीक है बच्चों की, तुम्हें यहाँ हर सहूलत है। खाक सहूलत है, 6 महीने से तो तनख्वाह नहीं मिली। लो बाबा अभी हमने सैलरी दी नहीं है, ये एडवांस मांग रहे, ऐसे तो हिसाब किताब गलत हो जाएगा ना बाबा। बच्चों बात तो गलत है ना, तनख्वाह दे दें इसको इसकी। अरे बाबा कैसे दे दें, काम के हालात जानी को खुद पता है। मर्जी आपकी। बाबा हालात नहीं है कि मैं तनख्वाह भी दूं और एडवांस भी दूं, इसको भी पता है सब कि क्या हो रहा है मसला। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर हम आपका नाम जान सकते हैं? क्यों आपने शनाख्ती कार्ड बनाना है? अरे आप अपना नाम बताएंगे तो हम आगे बात करेंगे ना। ऐसे में किसी को नहीं बताता अपना नाम। क्यों? क्या गंदा नाम है आपका? अरे नहीं भाई। तो फिर क्यों नहीं बताते? ऐसे नहीं बताता मैं किसी को अपना नाम। तो क्या पैसे लेके बताते? भाई आप लोग काम की बात करें, क्या काम है? अरे आपको बहुत 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 मुबारक। किस बात की भाई, मेरी क्या मंगनी हो रही है इनसे? क्या हो गया है, मेरी शादी हो चुकी है। शादी? शादी का फायदा क्या जिसमें मंगनी ना हो। दरअसल हमारे कहने का मकसद है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, दरअसल हमने कुरानदाजी की थी उसमें आपकी ये कार निकली है, तो आज से कार आपकी हुई, तालियां। ये गाड़ी मेरी है? देखो भाई इस तरह का बेहुदा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये मजाक नहीं बिल्कुल हकीकत है, हमने एक नया सुपरमार्केट खोला है और उसमें कुरानदाजी में आपकी ये गाड़ी निकली है। हाँ वो हमने दरअसल नंबर्स पे कुरानदाजी की थी। आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर क्या था? हाँ मेरा नंबर था, यही नंबर है, नंबर है। ये ले आपकी गाड़ी की चाबी। ये मेरी चाबी? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ किस किस के पैसे देने हैं मुझे। जी मेरा मतलब है कि मैं सोच रहा हूँ
कहीं मुझे ख्वाब तो नहीं देख रहा कहीं? आंखें बंद करे। हेलो, क्या मतलब है ये? देखा देखा, आप ख्वाब नहीं देख रहे, जाग रहे ना? जाग तो रहा हूँ मैं। अच्छा चलिए, हम ना ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक आप ऐसा करें कि आप मिठाई मंगवा लें। हाँ मैं मंगा दूँ, लेकिन आप लोग यही खड़े हो, मैं घर वालों को बता के आता हूँ। जल्दी जल्दी मिठाई करो मंगवा। अरे बच्चू भाई, सीमा मैडम, जरीना। अरे अरे क्या हो गया भला? ऐसे तो बंदा दो दफा ही चीखता है, या तो खुश होता है या फिर गम में। तुम्हारे साथ भला क्या हुआ है? अरे बाबा, इसके साथ गम ही हुआ होगा, अल्लाह न करे इसको खुशी मिले। अरे बच्चों से बात तो करने दे। हाँ जानी, तुम बताओ सब ठीक है ना? आप लोग बड़ा उछल रहे थे ना, ये देखो ये भला किस चीज की चाबी है? चाबी और क्या? हाँ हाँ, किस चीज की? बाबा ताले की होगी। गलत गलत। तो फिर अलमारी की होगी? गलत। जानी ये तुम्हारे दराज की चाबी होगी। नहीं नहीं, ये है ब्रांड न्यू गाड़ी की चाबी। अरे बाबा क्या बात करता है, तुम एडवांस नहीं दिया, तुमने गाड़ी चोरी कर ली, हम फंसवाएगा क्या? अरे पागल हो गया क्या है? कुरानदाजी में निकली है मेरी गाड़ी, अब मैं हो गया हूँ अमीर आदमी। अमीर बच्चू, मैंने कहा था ना इसे एडवांस दे दे, देखा इसके दिमाग पे कितना गहरा असर हो गया है, समझा करे, दे दे इसे पैसे। आप लोग समझ रहे हैं मैं गलत कह रहा हूँ? तो भला फिर ऐसे कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा ना, आओ बाहर चलो, देख लो वही घड़ी है। अरे बाबा वो बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी है? हाँ हाँ, वो कचरे उठाने वाली? नहीं नहीं, वो तो थोड़ी आगे, उससे थोड़ा पीछे। अरे तो हम बातें करके टाइम क्यों जाया करें, चले चल के देख लेते हैं। हो गई, क्या कर रहे हैं? आई 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 आई, चलो बाबा चलो, आ जाओ बाबा आ जाओ। अरे ये देखे वाले, ये देखो भाई। वाह जानी, ये गाड़ी तुम्हारी है? अरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके भाई की गाड़ी निकली है। अरे मैं भाई नहीं हूँ इनका। अरे बाबा भाई नहीं है, भाई से भी बढ़कर। देखा भाई गाड़ी क्या निकली, भाई से बढ़के हो गया मैं। जानी ये गाड़ी ना तुमको मेरी दुआओं से मिली है। तुमने मुझे कब दुआ दी? अरे याद नहीं, उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया और ये तुमको गाड़ी मिल गई। अगर आप लोग कहें तो कागजी कार्रवाई कर लें, क्योंकि गाड़ी के लिए कागजी कार्रवाई बहुत जरूरी है। हाँ बाबा, कार्रवाई के लिए गाड़ी की तो बहुत जरूरत होती है। ये गाड़ी कार्रवाई की नहीं है, इनाम की है। आप इनाम की गाड़ी, तो ये गाड़ी इनाम ले जाएगा? नहीं नहीं, नाम वाला इनाम नहीं, जीतने वाला इनाम। लेकिन इनाम में जाने का नाम कैसे आया? जी वो दरअसल हमारा एक नया सुपरमार्केट खुला है, जिसमें हमने मोबाइल नंबर्स की कुरानदाजी की थी, और मोबाइल नंबर इनका निकला, इसलिए गाड़ी लेकर हम यहाँ आ गए। आप वैसे नहीं, मेरे को बेचारे सच्चे लग रहे, इनकी चकल से सच नजर आ रहा है। तो चले फिर कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। हाँ हाँ बाबा, आप लोग अंदर आ जाए। लेकिन आपको मिठाई मंगवानी पड़ेगी। नहीं बाबा, हमारे घर में मिठाई नहीं आ सकती, हम सब शुगर है। हमें तो नहीं है ना? हाँ, इसलिए हम लोग मिठाई तो जरूर खाएंगे। हाँ हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मिठाई मंगाएंगे। चलो चलो कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आपका नाम? जान। पूरा नाम बताइए। वर वर। जानवर। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नाम नहीं है मेरा, जानी कहते हैं मुझे। ये लकब है या नाम है आपका? था तो लकब, लेकिन मुझे अच्छा लगा मैंने रख लिया। उमर। अब बहुत बाबा, बहुत। बहुत कितनी? अरे बाबा मोहनजोदड़ो से आगे पीछे ही कुछ। कॉमेडी की आदत जाती नहीं इनकी। मेरी 26 कर लें। 26? हाँ बाबा, 6 इधर लगाओ या उधर लगाओ, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। देखें सही सही उम्र बताए, मजाक नहीं हो रही। अच्छा फाइनल 42 कर लें लास्ट। 42 कम नहीं? असल में बचपन में बहुत बीमार रहा हूँ, नजर जुकाम रहा है, इसलिए मेरे बाल सारे सफेद हो गए। अच्छा ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? मेरा अपना काम है। अरे बाबा तुम्हारे बाप का काम है, मेरा काम है। बच्चों भाई इस तरह करेंगे ना, मैं आपको नई वाली गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। अच्छा चलिए लाइए, 10,000 रुपए दीजिए। 10,000 किस बात के? अरे पेपर्स के ना, गाड़ी आपके नाम पे हो रही है भाई। ओ अच्छा 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 अच्छा, लेकिन पैसे तो है नहीं मेरे पास। अच्छा बाबा मैं दे दूंगा 10,000 रुपए। हैं कहां से आए पैसे? अरे बाबा गाड़ी में नहीं बिठाओगे जानी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलो बैठिए बैठिए।
मिठाई नहीं आई अभी तक। मैं तो कहती हूँ अगर मिठाई में देर है तो खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद मीठा अच्छा भी लगेगा। अच्छा बाबा ठीक है, आप बैठे मैं अभी आता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहु। भाई यह क्या कर रही हो तुम मोबाइल के साथ? ये तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, और ये बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? अरे भाई मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, और पड़ोसियों का पड़ोसन पे ज्यादा हक होता है भाई। मैं तुम जैसे गरीब पड़ोसियों को ना मुंह भी नहीं लगाती हूँ। मुझे गरीब बोल रही हो? मैंने कहा तुमसे आटा मांगी है। अच्छा वाला क्या मांगने के लिए आयो? थोड़े से चावल मिल जाएंगे, उसमें आपने कड़ी बनाई है ना, तो चावल खत्म हो गए। कड़ी? अब ऐसा करो कि कड़ी हमको दे दो, चावल हम खुद ही बना लेंगे। अरे भाई तुम तो बहुत बड़ी जुगाड़ू हो। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे बाहर गाड़ी खड़ी है इतनी खूबसूरत सी, इतनी प्यारी सी, किसकी है? वो जानी की है। गाड़ी जानी की है? जानी की गाड़ी कहाँ से आ गई भाई? अरे बाबा इनाम में निकली है। अरे जो इनाम में निकली है कार वो जानी की है, लेकिन जानी तो खुद बेकार है। ए बस सड़े छाए, ज्यादा उससे जलने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मैं क्यों जलूंगा, मेरे तो घर में खुद दो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, बस इंजन नहीं है, बंद है वो। अरे सीधा सीधा बोलो ना कि बस में आते हो। अरे क्या हो गया सरिता, हमारी तो अपनी बस थी। अच्छा तो भला कहाँ गई? खाई में। हाय अल्लाह, वो कैसे? बस अब्बा बस चलाते चलाते पीछे किराया लेने चले गए, हालांकि अम्मा ने आवाज भी दी आई में। तो फिर? फिर क्या, बस खाई में। बहुत बड़ा ना, वैसे तुम छोड़ू लगते हो मेरे को। अरे क्या हो गया, झूठ थोड़ी बोल रहा। अच्छा छोड़ो इस बात को, जानी को ना मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना, कहना इनाम में गाड़ी निकली है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। अच्छा अच्छा बस सड़े घर ठहरो, ज्यादा फिल्मी हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना और कहना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा बस ठीक है, खटारा जमाने का हीरो बनने की बड़ी कोशिश कर रहा है। चोरो टो। अच्छा तो बाबा कैसा लगा आपको ये घर? घर तो बहुत खूबसूरत है आपका, कितने में लिया आपने? अरे नहीं बाबा खरीदा नहीं है, ये तो तोहफे में मिला। वो कैसे? वो मेरी सीमा से शादी हुई थी ना, उस वक्त तोहफे में मिल गया था। इसका मतलब है कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है। नहीं कहाँ अच्छी है बाबा, मैं उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि बाबा वो मुझ पे बहुत जुल्म करती है। किस तरह का जुल्म? पापा कोई एक हो तो बताओ ना, आप देखो ना इतना जुल्म करती है कि मैं कमजोर हो गया हूँ पहले से। लेकिन मैंने आपको मोटा देखा कब था, मैं तो आपको पहली दफा देख रही हूँ ना आज। अरे बाबा मोटे पतले में क्या रखा है, ये तो पहली नजर पे ही होता है ना, बाद में तो इंसान आदी हो जाता है। बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। वो मैं तो ये आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, आप इन पे इतना जुल्म क्यों करती हैं? और ये आपसे किसने कहा? इन्होंने बताया है मुझे अभी। क्या जुल्म करती हूँ बच्चू, जरा बताना। अरे यही बाबा की खाना खा लो बाबा, जूस पी लो, आराम कर लो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? इसमें जुल्म कहाँ है? जुल्म तो अब होगा। चलो जरा बच्चों तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरे बाबा चलो था, अब मजाक भी ना करे आदमी। सर आप ऐसा करो कि मेरा नंबर भी लिख लो और एक गाड़ी मेरे को भी निकाल दो। अच्छा गाड़ी क्यों? वो मैं पैदल चल चल के ना थक गई हूँ। तो रिक्शा कर लिया करें। नहीं बाबा मैं रिक्शे में नहीं बैठती। क्यों? वो बाबा रिक्शे वाले जो ना आगे कम और रिक्शे के शीशे में पीछे ज्यादा दिखते हैं। अच्छा रिक्शा आप चला लिया करें। क्यों भला, क्या मैं शक्ल से आपको रक्षा ड्राइवर दिखती हूँ? नहीं नहीं वैसे तो आप जहाज की ड्राइवर लग रही हैं। अरे जहाज तो वो चलाते हैं कप्तान। मैं जहाज कोच की बात कर रहा हूँ, नीपा से सौरभगढ़, सौरभगढ़ से केवाड़ी, टॉप और टॉप। भला ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे अरे शाकिर भाई आप यहाँ बैठे, आइए अंदर चले खाना खाए। भाई तुम तो ऐसे बुला रहे हो जैसे यहाँ के नौकर हो। हाँ ये हमारे नौकर ही तो है। नौकर मैं पहले था, अब मैं मालिक हूँ, ये लोग हैं मेरे नौकर। अरे अब्दुल मालिक गाड़ी के आगे तो अपनी औकात भूल गए, चुप कर। शाकिर साहब इसकी बात का बुरा मत मनाएं, जलस हो रही है मुझसे। आप एक काम करें अंदर जाएं, रोटी छोटी खाएं, मैं जरा बाहर जाता हूँ अपनी गाड़ी साफ करता हूँ, मट्टी लग गई होगी। जाए अंदर चले। जा जा अपनी गंदी घटिया गाड़ी साफ कर। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
जानी भाई लाइन में साफ कर दो। नहीं नहीं भाई, मैं अपनी गाड़ी खुद साफ करता हूँ। नई गाड़ी आई है, मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। अरे जानी भाई लाइन में साफ कर देता हूँ। जहाँ नई गाड़ी देखी फौरन चमचागिरी शुरू कर दी है। ये बताओ डिलीवरी की अभी तक के नहीं की? नहीं नहीं की ना। जा फटाफट निकल निकल यहाँ से। फुट बड़ा आया, नई गाड़ी देख के फौरन आ जाते हैं भाई। हाय 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 हाय, कलर भी मेरा बड़ा फेवरेट है ये तो। बहुत अच्छे जानी भाई, क्या बात है, गाड़ी तो बहुत अच्छी साफ कर रहे हैं। अच्छा, पहले सर्विस स्टेशन पे काम करते थे क्या? ओ भाई मेरी गाड़ी है। अब कहाँ मैली है, अब तो काफी साफ कर दी तुमने। मैली नहीं, मेरी, मैं मालिक हूँ उसका। अबे भाई क्यों मजाक कर रहा है यार, तुम तो बेरिंग वाली गाड़ी नहीं ले सकते, ये तो फिर असली है। ओ भाई इनाम में निकली है भाई की गाड़ी, इनाम में। क्यों, किसी शेख के ऊँट को ना लाया था? यार खुद ना लिया इसलिए इनाम में लाए। ओ ठंडी जुगतों के बादशाह है, साइड में ये देख, ये गाड़ी मेरी अपनी है, तुझे यकीन नहीं आ रहा होगा ना, ये देख चाबी भी है, चाबी स्टार्ट करके दिखाऊं? अच्छा चलानी आती है? चलानी तेरा भाई ऐसे उड़ाता है, दुनिया देखती है। ये देख स्टार्ट करता हूं मैं अभी। हो जाएगी, हो जाएगी, फिक्र नहीं कर। नई गाड़ी है ना, तो मुश्किल से होती थोड़ा सा। क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही क्या? अरे अपनी होगी तभी तो स्टार्ट होगी ना, मालिक आ रहे हैं, गाड़ी साफ करो चलो। वाह भाई वाह, मजा आ गया। बहुत मजे का खाना था। अब बाबा कैसे नहीं होगा, अपने हाथों से मंगवाया था। वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे जानी को कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे बाबा कहां पहुंचा दिया, देखो बाबा कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाए। अरे आप बेफिक्र हैं, वो दूर कहीं नहीं जा सकते, मैंने गाड़ी में ट्रैकर लगाया हुआ है, पकड़ा जाएगा। लेकिन गाड़ी तो उसी की है ना, तो पकड़ा क्यों जाएगा? मिठाई नहीं आई अभी तक। एक मिनट मिठाई मिठाई, अरे भाई वाह 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 वाह, अरे गुलाब जामुन हमारे फेवरेट। लो लो लो, आप लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जाने को पता नहीं क्या हो गया, वो गाड़ी के पास से खड़ा हुआ, कब से गाड़ी चला रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। बाबा कैसी थी मिठाई? मिठाई बहुत अच्छी, बहुत मजे किया। ऐसा ना हो वो गाड़ी की बैटरी बिठा दे। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो, चल के देख लेते हैं चलो। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, गाड़ी की बैटरी बिठाओगे क्या? भाई साहब असल में बात ये है, कब से लगा हुआ हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो के नहीं दे रही। नई गाड़ी है शायद, या पेट्रोल नहीं, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। बाबा मेरे ख्याल में इसके प्लगों में कचरा आ गया है। अरे हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक का मसला हो। अरे बाबा आयल चेक करो, आयल। यार आप सब चुप करो, शाकिर आप चेक करो। देखें ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि मैंने इसमें पासवर्ड लगाया हुआ है। ये भला क्या मोबाइल है जो पासवर्ड लगाया हुआ है? चलो शाबाश, अब जल्दी से अपना पासवर्ड हटाओ, मेरा लगाओ। हाँ हाँ भाई, जिसकी गाड़ी है पासवर्ड भी उसी का ही होना चाहिए ना, है ना बच्चू? हाँ बाबा क्यों नहीं, बाबा पासवर्ड लगाओ, हमने बहुत जरूरी काम से इधर उधर जाना है। लेकिन ये गाड़ी हम आपको ऐसे नहीं दे सकते। क्यों, बता दे। अरे हाँ बाबा, खाना गिला मिठाई गिला, अब बोला क्या मसला है? बाबा पूरे 10,000 रुपए भी दिए हैं कार्रवाई के। वो बात दरअसल ये है के क्या कर रही, जल्दी बताओ, इधर दिल रुक रहा मेरा। वो दरअसल हमने आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था। प्रैंक? ये क्या होता भाई? जी जी अब वो देखे, वो कैमरा लगा हुआ है। हाँ हाथ हिला दे, जल्दी करें ना, हाथ हिला दे। हाथ हिलाएं और कहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ चलो चलो चलो, आज पास। हाँ बाबा ये तो स्टार्ट हो गई है। अरे बाबा ये तो 10,000 रुपए भी ले गए, खाना अलग खाया है, मिठाई भी अलग ली है, क्या होगा बाबा? ये सब इस जानी की वजह से है, यही उनको लेके आया था। हाँ बाबा पकड़ो इसको। लेकिन एक बात बताएं, ये पुलिस वाला क्यों बनना था? अरे बाबा पुलिस वाले चितार होते हैं, बहादुर होते हैं। हाँ इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अरे बाबा इससे महंगे तो हमारे बाड़े की गाय जो है ना वो जेवर पहनती हैं। अरे तो बाबा क्या करूं फिर? नहीं बाबा मेरे को नहीं चाहिए इतने पैसे, मेरे को तो लाखों रुपए चाहिए। मैं सबको फकर से बताऊंगी कि देखो 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 मेरे दादा ने 1,00,000 रुपया दिया और मैंने उन पैसों से ज्वेलरी ली है। जल्दी से मुझे कहीं छुपा लो, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। अरे बेग साहब ऐसा कैसे हो सकता है, पुलिस के पीछे पुलिस कैसे लग सकती है? सादा लिबास में होगी ना? अरे नहीं भाई वर्दी में वो सब। हाँ जब ओए
क्या हो रहा है ये? भाई पुलिस वाले अंदर हम ना तोलल पुलिस का थेले चलो भाई दो भी तू दे जल्दी नहीं था हेलो अबे ये कोई असली पिस्तौल थोड़ी है, इससे थोड़ी लूटा जाता है। अब कब तक इस तरह छुपते रहेंगे बाबा? बस आज की रात गुजार लूं फिर 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 क्या, ये खुद भी फिर चित्रौल खाने के तजर्बे से अरास्ता हो जाएंगे। और तू चुप कर, कभी कभार कोई अच्छी बात भी कर लिया कर। बेग साहब इस वक्त आप सरकारी नहीं बल्कि इश्तिहारी हैं, और जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे वो चुपचाप आप करते जाएं। बेटा एक बार बहाल हो जाने तो मुझे, फिर देखना क्या करता हूँ मैं। दूर दूर तक आप मुझे बहाल होते हुए नजर नहीं आ रहे, हाँ अलबत्ता अनकरीब बेहाल होते हुए जरूर नजर आ रहे। ये जो एड्रेस है ना, हाँ हाँ ये वाला, ये एक ऐसा घर है कि जिसके जो ना चारों तरफ घर हैं, उसके दाएं भी घर, बाएं भी घर, आगे भी घर, पीछे भी घर, ऊपर भी घर और नीचे भी घर। अरे छोड़ मेरे को, बड़ी आई मेरे को भगाने वाली, मैं भागने वाली नहीं, भगाने वाली हूँ। कौन है तू? ओहो तमीज से बात करो, मैं मिसेस बेग हूँ। बेग कौन? बेग आप बेग को नहीं जानती? अरे हाँ पापा जानती हूँ, लाल बैग, हैंड बैग, शॉपिंग बैग और स्कूल बैग। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो करवो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा।